दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। अब जिसको संदेश लेना हो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दूंगी। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। दुनिया भर लड़कर भारत का परचम लहराने वाली साक्षी आज हार गई। आपको बता दें कि संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों से स्वर्ण पदक विजेता अनीता से था। संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्यक्ष बने थे। चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह ने कहा कि अब राष्ट्रीय शिविर कुश्ती के लिए आयोजित किए जाएंगे। जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वे राजनीति कर सकते हैं, जो कुश्ती करना चाहते हैं वे कुश्ती करेंगे। के जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक साल बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, अभी तुरंत हम लोग नेशनल की घोषणा करेंगे अंडर 14 और जूनियर के बच्चों की। कुश्ती के लिए जो भी काम करना है वो काम करेंगे। अच्छा, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, इस तरीके के पोस्टर भी लगे हैं इस आवास के बाहर, इसका क्या मतलब? दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। रुके हुए टूर्नामेंट को तुरंत स्टार्ट कराना, जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर उसको नेशनल को करा के खत्म करना, और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव संपन्न होने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। वही रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि मैं युवा एथलीटों से कहना चाहता हूं कि अन्याय का सामना करने के लिए तैयार रहें, कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। साक्षी ने कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने भी आए थे। अगर बृजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद।